नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, एमडी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन जब धीरे धीरे खुलने लगा है और आपको ऑफिसेज खुलने लगे हैं, दुकानों में जाना है और जगह जाना है, कैसे जाएं, क्या प्रिकॉशंस लें। इस वक्त अगला 3 महीना खासतौर से अगस्त तक बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन था, अब अपने घर में सुरक्षित थे, लेकिन अब हर आदमी घर से बाहर निकलेगा अपने काम की वजह से, लोगों से एक्सपोज होगा, मिलना जुलना होगा और उसमें इन्फेक्शन बढ़ने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब इन्फेक्शन ये कम्युनिटी में फैल चुका है। करीब 80% लोग जो बीमार होंगे उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन वो मार्केट में घूम रहे होंगे, दूसरे को बीमारी दे रहे होंगे। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें हैं। आपको भी है, हमको भी है, किसी को भी है। तो क्या प्रिकॉशंस हैं? नंबर 1, घर से निकलते वक्त सबसे पहले ये सोचें कि आपको कम से कम क्या ज़रूरी है। जैसे आपको खाना, टिफिन और कई चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन क्या ज़रूरी नहीं है? जैसे एसेसरी ज़रूरी नहीं है, घड़ी ज़रूरी नहीं है, बेल्ट कंघी के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन जब ये सब सामान आप लेके वापस आते हैं तो ये देख लें कि भाई वो सामान एक प्लास्टिक के अलग थैले में ही रखें, बार बार करें। जूता चप्पल बार बार न बदलें, खासतौर से पर्स वगैरह भी बार बार न बदलें, डिजाइन के चक्कर में न पड़ें। जब वो लाते हैं तो एक पॉलीथीन की थैली रखें, जिसमें रख दें वही अगले दिन लेके जाएं। एक स्टडी हुई थी कि डॉक्टर्स जो घर आते हैं, डॉक्टर्स पे हुई है, वो 50% लोग अपने पैरों में जूते के अंदर उनके कोरोना वायरस पाए गए थे, लेकिन ये डॉक्टर्स की बात है और वो इतने ज़्यादा में नहीं होते कि आपके घर में आके इन्फेक्शन फैलाए। हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं तो सावधानी बरतें, जूते को एक कोने में रख के, ठीक है। घर लौटने के बाद आपको पता ही है, आपको नहाना है, कपड़े को अपने कपड़ों को पानी में डाल देना है, साबुन वाले उसमें, वो सब प्रिकॉशंस अब सबको ही पता है। दूसरी चीज़ मास्क के बारे में, कॉटन का मास्क अगर आप जा रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं है, काफ़ी है, लेकिन भीड़ भाड़ है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना है तो सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें। N95 की ज़रूरत आपको नहीं है, अगर डेफिनेटली किसी आदमी को है या कोई घर में आपके हो जाता है, किसी को आपको केटर करना पड़ता है, किसी को केयर करनी पड़ती है, वहाँ पे N95 ज़रूरत है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के N95 इस्तेमाल न करें। ग्लव्स की ज़रूरत आपको नहीं है, ग्लव्स से फ़ायदा कोई ख़ास नहीं है। अगर ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं तो भी हर ट्रांजैक्शन के बाद ऐसे पैसे ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी से छूना पड़ रहा है, लेना देना हो रहा है, तो सैनिटाइजर से उसको भी करें, लेकिन सैनिटाइजर से उसमें दिक्कत होती है क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं लगता कि सैनिटाइजर कहाँ पे अप्लाई हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। फेस मास्क, ग्लव्स की बता दी मैंने, और ग्लव्स की बता दी। सैनिटाइजर जो है 60% से ज़्यादा मार्केट में बहुत सारे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर लगा के आप खाना भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि पानी और साबुन का सब्स्टिट्यूट सैनिटाइजर नहीं है। अगली चीज़ आते हैं, कूलर और एसी अपने ऑफिस में चलाएं कि नहीं चला सकते हैं। एसी का टेम्परेचर 24-30 डिग्री रखें, ह्यूमिडिटी 40-70% आपको रखना है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप दरवाजे खिड़की खोल सकते हैं या एग्जॉस्ट फैन चला सकते हैं, ये कूलर के साथ भी है। कूलर में आपको थोड़े पैड्स की ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, जो डेंगू के प्रिकॉशंस हैं वो लेने पड़ेंगे। और बड़े स्पेसेज में, बड़े हॉल्स वगैरह हैं उसमें, ऑफिसेज हैं उसमें, ये ध्यान रखें कि 12 एयर सर्कुलेशंस पर आवर जरूरी है। मतलब उस हॉल की, उस कमरे की हवा हर 5 मिनट में बदल जानी चाहिए। खाने के बारे में, घर का खाना आप ले जा रहे हैं, पानी 3 से 4 लीटर पिएं क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरी है, रोज़ एक संतरा खाएं, नींबू वगैरह खा सकते हैं, विटामिन सी की गोली भी ले सकते हैं। विटामिन सी बॉडी में प्रिजर्व नहीं होती, इसलिए रोज़ खाना जरूरी है, बॉडी में ये रहती नहीं, स्टोर नहीं होती है। विटामिन डी अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, अगर आपने पिछले 1-2 सालों से नहीं लिया है। विटामिन डी की मेजॉरिटी लोगों में कमी होती है, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, विटामिन डी भी लीजिए। इसके अलावा च्यवनप्राश वगैरह या इस टाइप की चीज़ें जो आयुर्वेदिक हैं या जड़ी बूटियों वाली है, उसको भी ले सकते हैं, अगर आपका उसका विश्वास है, आपको उसमें कोई ऐसी बात नहीं। एक्सरसाइज माइल्ड टू मॉडरेट आप करिए, जितना आपकी आदत है, लेकिन जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ही योग करिए, उससे ज़रूर फ़ायदा है। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार, ये
30 से 45 मिनट आप करेंगे तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ती है और वो इस बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद 8 घंटे के लिए, 6 घंटे कम से कम, 8 घंटे लें बहुत अच्छा है। अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, बीच में नींद टूटनी नहीं चाहिए। पैसा रुपया बिजनेस वगैरह के बारे में बहुत आजकल ना सोचें, क्योंकि आप लाख सोचेंगे अगले 3 से 6 महीने कुछ नहीं कर पाएंगे। बिजनेस वगैरह सेटल होने में, बाकी फाइनेंशियल लाइफ आपकी सेटल होने में, लाइफ के जो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज हुए उसको सेटल होने में 2 से 2.5 साल लगने वाला है। अभी 3 से 6 महीने अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें। 2 से 2.5 महीने खासतौर से हर वो प्रिकॉशन लें जो मैंने अभी बताया, इसके अलावा भी हमारे वीडियोज़ में हैं जो आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन भी लगवाएं, स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है जो ज़रूरी है। ये भी उसी तरह का कीटाणु है, थोड़ा सा चेंजेज है इसमें, तो इन्फ्लुएंजा वगैरह नहीं होगा उससे, ये सब बीमारियों का भी डर थोड़ा सा कम रहता है। हालांकि उस बीमारी को ये नहीं प्रोटेक्ट होगा, ये जब प्रोटेक्ट करेगा जब इसका टीका आएगा वो अलग चीज़ है। टीडैप एक वैक्सीन होती है जो लगानी चाहिए, किसको लगानी अपने डॉक्टर की सलाह लें। निमोकोकल वैक्सीन है जो 55 ईयर से ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है। बच्चों का अपने घर में खास ख्याल रखें, क्योंकि वुहान में एक स्टडी हुई थी और ये पाया गया था कि 2री क्लास से 6ठी क्लास के 22% बच्चे लॉकडाउन की वजह से डिप्रेस हो गए थे और 6ठी क्लास से बड़े बच्चे करीब 18% बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे। बुजुर्गों में भी यही हालत है, बुजुर्ग भी आपके कहते नहीं हैं लेकिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनका रूटीन गड़बड़ हो गया। एक छोटे से घर में, छोटे से फ्लैट में एक बंद माहौल होने की वजह से उनमें बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कम से कम अगस्त तक, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल फेज है हिंदुस्तान के लिए। अपना ध्यान रखें, हम लोग आपका ध्यान रख रहे हैं नई नई वीडियो के द्वारा। हमारी और वीडियोज़ भी हैं इन सभी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर डिटेल में हेल्थ इंक की साइट पर ही, जिसको लाखों लोगों ने देखा है, उसमें आपके रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं, जो आपके प्रश्न होते हैं उनका जवाब है। अपना ध्यान रखें, थैंक यू, नमस्कार।